राजी, स्वागत करता हूं आपका एक नए शख्स के साथ मिनी संसद के मंच पर। आज हमारे साथ हैं आशीष रंजन सिंह, राष्ट्रीय सह सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। तो आशीष जी अपने बारे में बताएंगे और अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताएंगे और अपनी उनकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है दिल्ली के अंदर उसके बारे में बताएंगे। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिनी संसद के लिए। और जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है और हमारे नेता का सवाल है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोशल कॉज पे अपना कार्यक्रम चलाते हैं बहुत सारा, मुझे मालूम चला जैसा। तो हमारा पार्टी और आपकी जो विचारधारा है करीब करीब एक है, क्योंकि हमारी पार्टी भी एक सोशल कॉज के तहत ही चलाती है। जब राजा राम मोहन राय थे तो उन्होंने सती प्रथा खत्म किया था, और आज हमारे जो नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के, उन्होंने एक ऐसा सोशल कॉज किया स्टार्ट किया है बिहार में। और हम सब चाहते हैं कि ये चीज़ पूरे देश में हो, जैसे बाल विवाह पे रोक, शराबबंदी, दहेज प्रथा, ये सब एक ऐसी समाज की कोड़ है, ये ऐसी कोड़ है जिससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। आज दिल्ली की हालात क्या देखते हैं, अगर आप 5 बजे देखते हैं, या आज रविवार है, तो आप किसी भी गली में, किसी चौराहे, किसी पार्क में देखते हो कि 2-4 शराब पी करके गिरे हुए हमारे युवा हैं। तो हम लोग का यही एक है कि जितनी हो सके, जितना हम लोग जागरूक कर सके जनता को कि ये जो शराब है, ये जो नशा है, ये समाज के लिए कोड़ है, और जितनी जल्दी हो सके इसको सारे लोग छोड़ दें। और एक स्वच्छ पार्क में देखते हो कि 2-4 शराब पी करके गिरे हुए हमारे युवा हैं। तो हम लोग का यही एक है कि जितनी हो सके, जितना हम लोग जागरूक कर सके जनता को कि ये जो शराब है, ये जो नशा है, ये समाज के लिए कोड़ है, और जितनी जल्दी हो सके इसको सारे लोग छोड़ दें और एक स्वच्छ जिंदगी जिए, एक समाज की मुख्य धारा के साथ आए। और दूसरी बात होती है कि जो हमारे देश में बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है, कम एज में हो जाती है बाल विवाह के थ्रू, तो जिससे इससे क्या होता है कि एक समाज के साथ साथ एक परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। जिस लड़कियों की अगर 12-14 साल में शादी हो जाती है 10 साल में, तो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती है, वो एक परिवार की बोझ कैसे उठा पाएगी। तो इससे 2 परिवार बर्बाद हो जाते हैं, एक पूरी लड़की की लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक अभियान चला रखे हैं बाल विवाह के रोक के। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक संशोधित कानून भी लाया है कि अगर कोई भी इस चीज में अगर शामिल होगा, उसके साथ अगर आप शादी हो रही है तो छोड़ दीजिए, उसको सजा होगी होगी, लेकिन अगर आप उस शादी में शामिल हो रहे हैं तो आपको भी सजा होगी, कानून उसके लिए भी बना है। तो ये हम लोग सोशल कॉज पे भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और जो राजनीतिक हमारी जो मुख्य उद्देश्य है उस पे भी हम लोग घर घर जा कर के लोगों को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, और एक जो सामाजिक परिवेश होती है, एक परिवार को किस तरह से हम जोड़ करके रख सकते हैं, वो हमारी विचारधारा है। हम एक परिवार